देखो बिना स्काल आएगा, बिना स्काल कैसा होगा उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, वो बड़ा खतरनाक होगा। लेकिन लोग धन इकट्ठा करते हैं। मैं जब पहली बार विदेश में गया तो बहुत सारे विदेशियों ने, कोई कोई अपने घर ले जाते थे, तो अपने घर में बहुत सारी पानी की बड़ी बोतलें खाली और पानी के खाली केन रखे हुए थे, समझो 50। मैंने पूछा ये क्यों रखे हुए हैं यहाँ, देखो ना कि नहीं ना सोगा ना कमी में पानी रखते रहते। कई विदेशियों को ये भी बहुत नशा चढ़ता था कि जब विनाश होगा हम मधुवन में भाग रहे हैं। सत्य क्या है? कई लोग पैसा इकट्ठा करते हैं कि पैसा बहुत काम आएगा। सबको पक्का समझ लेना चाहिए, ना धन काम आएगा ना जन काम आएगा, बाबा और अपनी स्थिति। धनवानों को सबसे ज्यादा कष्ट होगा, उनका निश्चय भी डाउन होगा फटाफट। जिसने अपनी स्थिति अच्छी बनाई होगी वो सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे, इतने वो मरेंगे नहीं। मरना तो सबको अगर जाना है, उनकी मृत्यु इच्छा मृत्यु होगी, बिना कष्ट के। इसलिए ध्यान देना है बहुत स्थिति पर, सर्वशक्तियों पर, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति पर। बाबा कह दिया था जिनके पास आठों शक्तियां होंगी विनाश काल में उन्हें सब कुछ मिलता रहेगा, और जिनके पास शक्तियों की कमी होगी उन्हें उतना ही कम मिलेगा। बहुतों के साथ ऐसा होगा, नहाने गए पानी की टंकी खाली, और जो योग्य थे उनके साथ ऐसा होगा पानी की टंकी खाली थी, नहाने गए पानी चालू हो गया। यह अंतर दिखाई देगा। जिनकी स्थिति खराब होगी वो जब सड़क पर जा रहे हैं सड़क फट जाएगी, अंदर चले जाएंगे, पर जिनकी स्थिति अच्छी होगी वो जब घर आ जाएंगे तब सड़क फटेगी। ये खूब दिखाई देगा, रोज चमत्कार होते रहेंगे कि जिन्होंने अपनी स्थिति बहुत अच्छी बनाई है उनका स्थिति का क्या प्रभाव पड़ रहा है चारों ओर। देखो एक बहुत सुंदर वैज्ञानिकों की रिसर्च आपके सामने है। वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छी रिसर्च की थी एक साल पहले। आप सब जानते हैं जब भूकंप होते हैं, बाढ़ आती है, तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च जो तीर्थ स्थान हैं वो काफी सुरक्षित रहते हैं। पीछे उत्तराखंड में बाढ़ आई थी बद्रीनाथ में, आपने सुना होगा पानी इतनी तेज बह रहा था कि सब कुछ नष्ट करता जा रहा था, लेकिन पानी के साथ बह के एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया जो मंदिर के उस तरफ आके रुक गया, और वो पानी का बहाव जो था दोनों तरफ बढ़ के चलने लगा, मंदिर सेफ हो गया। बहुत अच्छा न्यूज था ये। तब तो वैज्ञानिकों को ये काम दिया गया कि क्या कारण है ये अच्छे स्थान पवित्र स्थान सुरक्षित रहते हैं। तो उन्होंने जो रिसर्च करके परिणाम दिया वो आप सब सुन लें, पढ़े लिखों को बहुत काम आएगा दूसरों को समझाने के लिए। उन्होंने बताया कि इन पवित्र स्थानों से पवित्र तरंगे फैलती है, चार ओर फैलती रहती है, और जो विनाश की तरंगे, विनाश में भी तरंगे उठती हैं, आपने देखा होगा जब धरती हिलेगी भूकंप होते हैं तो भड़काहट होती है, तरंगे फैल जाती हैं। आप सबको पता है चूहे बिल से निकल कर भाग दौड़ करने लगते हैं, चींटियां बिल से निकल के बाहर आ जाती हैं, कुत्ते भी भाग दौड़ करने लगते हैं, देखा हमारे यहाँ बंदर बहुत हैं, उछल कूद करने लगते हैं, आवाज करने लगते हैं, ये विनाश की तरंगे चलने लगती हैं। तो उन्होंने इस
ये पवित्र तरंगे जो पवित्र स्थानों से निकल रही है वो विनाश की आने वाली तरंगों को रोक कर वापिस भेज देती है। इसलिए ये पवित्र स्थान सुरक्षित रहते हैं। अब आप सोचो, हम में से कोई एक आत्मा जो बहुत पवित्र है जिस स्थान पे होगी उसके पवित्र वाइब्रेशन विनाश के वाइब्रेशन को रोकते रहेंगे। तो एक पवित्र आत्मा हजारों लोगों के लिए छत्र छाया बन जाएंगे। क्लियर है ना? इसलिए महत्व स्थिति का है, न धन का, न जन का, न साधनों का, ये सब रखे रह जाएंगे।